हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स इतिहास रिकॉर्ड, मतलब कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का ऐसा रिकॉर्ड कभी बना ही नहीं, रियल बता रहा हूँ। नौवां दिन, जी हाँ दोस्तों, कल सैटरडे नौवां दिन था इसको बॉक्स ऑफिस पे, और इसने कमाई है 24 करोड़ 80 लाख। जी हाँ दोस्तों, बोले तो यार नाइन्थ डे 24 करोड़ 80 लाख, अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बोल सकते हैं इसको, मतलब कि इतिहास उठा के देख लो बॉलीवुड का। अभी तक कोई भी फिल्में ऐसी कमाई नहीं किया बॉक्स ऑफिस पे जितना कि द कश्मीर फाइल्स कर रही है। लेकिन दोस्तों, बच्चन पांडे की बात करें तो बच्चन पांडे मात्र 12 करोड़। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट डे उन्होंने कमाया 13 करोड़, और कल का दिन जो कि और ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन यार क्या आ रही है, 12 करोड़, 1 करोड़ कम हो गया। आज संडे है, बोले तो आज छुट्टी का दिन है, आज देखते हैं कि कितना आ सकता है। लेकिन दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स यार अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाते जा रहा है भाई। मैं सोचा भी नहीं था, मेरे को सपना भी नहीं आया था कि ये मूवी यार 24 करोड़ आएगी। मैं कल का प्रेडिक्शन किया था 20 करोड़, लेकिन यार 4 करोड़ एक्स्ट्रा आया। और बच्चन पांडे का प्रेडिक्शन किया था 12 से 10 करोड़, तो वो बराबर किया था मैंने दोस्तों। तो गाइज, अपने आप में एक रिकॉर्ड बनते जा रही है द कश्मीर फाइल्स का। मगर बच्चन पांडे की अगर हम फेलियर की बात करें तो कहीं ना कहीं यार ये कारण द कश्मीर फाइल्स है, जो कि बॉक्स ऑफिस पे आके कहीं ना कहीं बच्चन पांडे की बजा दी है, रियल बता रहा हूँ। मगर क्या था यार, ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अचानक से उठी है ये मूवी। 650 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी फर्स्ट है, उसके बाद लगातार इसकी स्क्रीन बढ़ती गई, उसके बाद 4000 स्क्रीन मिला उसको सेकेंड वीक में। लेकिन जाहिर सी बात है, जो मूवी चलेगी वो उसको स्क्रीन तो देंगे ही, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मूवी जो है कश्मीर फाइल्स, वो ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, क्या यार ये इतिहास ब्लॉकबस्टर हो गई है। लेकिन बच्चन पांडे की फेलियर को लेके यार थोड़ा सा नाराज़ तो हूँ, क्योंकि जो एक्सपेक्ट था बच्चन पांडे को लेके दोस्तों, ऐसा मैं सोचा नहीं था यार। मेरे को कम से कम फर्स्ट डे का कलेक्शन 25 करोड़ के आसपास सोचा था मैं, और मतलब कि ये सोच के रखा था कि 3 दिन में ये कम से कम तो 75-70 करोड़ करेगी, लेकिन 50 करना मुश्किल लगता है, अब रियल बता रहा हूँ, 50 भी 3 दिन में नहीं कर पाएगी ये मूवी। बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है ये दोस्तों, अक्षय कुमार फैंस के लिए भी, और एक बोले तो एक सुपरस्टार है हमारे बॉलीवुड के। देखो दोस्तों, थोड़ा इस मूवी का कमजोरी भी है, जो ऑडियंस को पसंद भी नहीं आ रही है। खैर देखते हैं दोस्तों आज क्या आती है इसकी कलेक्शन। तो बस भाई, इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।